Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, आज मैं आप लोगों के साथ एक फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ. बाय द वे, अगर आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा मेकअप करके या क्या मैं ये फाउंडेशन का ही रिव्यू करने आई हूँ, सो नो, एज यूजुअल दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज मैं आज आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की थी करवा चौथ मेकअप लुक, तो वो बेसिकली दिस इज़ माई लुक जो मैंने क्रिएट किया था करवा चौथ के लिए. अगर अभी तक नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस आउट, बिकॉज लॉट्स ऑफ मेहनत, लॉट्स ऑफ आई वुड से हैप्पीनेस भी मुझे मिलेगी जब आप इस वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड कॉमेंट डाउन करके ज़रूर से शेयर करना. ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं. बाय द वे, आई एम वेयरिंग अ साड़ी, बनारसी साड़ी, मिंत्रा हॉल मिल जाएगा आपको बहुत जल्दी से. आज मैं फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ. आई थिंक मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, तो मैं आज फाउंडेशन का भी रिव्यू करने वाली हूँ एंड कंसीलर का भी रिव्यू करने वाली हूँ. एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट के कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप फाउंडेशन के बारे में. बेसिकली नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा वाला ब्रांड है, लाइक बहुत ज़्यादा, आई डोंट से कि हाई एंड है, तो इट्स लाइक अ वेरी ड्रग स्टोर फाउंडेशन. काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी आपको प्रोडक्ट परचेज कराते हैं नेक्स, एंड बेसिकली जो नेक्स एंड मेबलिन है ना, वो ओन करती है कंपनी लॉरियल, लेकिन बेसिकली आपको अलग अलग शेड रेंज मिल जाती हैं, प्राइस पॉइंट अलग अलग है एंड फॉर्मूलाज आई डोंट थिंक सो कि सेम है या अलग अलग है. बाकी चलो बात कर लेते हैं आज के स्पेसिफिकली जिसके बारे में हम बात करने आए हैं यहाँ पे, नेक्स का कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप फाउंडेशन, फुल कवरेज फाउंडेशन एंड 30 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिल जाती है. कांच की बॉटल में आता है, बहुत ही प्यारी इसकी पैकेजिंग है. यहाँ पे आपको प्लास्टिक का कैप मिल जाता है एज यू कैन सी, एंड यू गाइज ऑलरेडी कैन सी कि मैंने इसको यूज़ कर लिया है, एक बार नहीं मैंने कितनी बार इसको बेसिकली यूज़ किया है. और इसमें आपको ऐसे पंप मिल जाता है विच इज़ सो कन्वीनियंट टू यूज़ विद अ फाउंडेशन, बिकॉज फाउंडेशन कभी भी एक्स्ट्रा निकल जाए तो उसको दोबारा से बीच में डालना है, ये वो करना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है. एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है क्लासिक टैन, एंड इसमें आपको 14 टू 15 शेड्स मिल जाते हैं, बेसिकली अवेलेबल है अभी इंडिया में. अगर बाहर की बात की जाए या फिर निक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चेक करें तो 40 to 45 शेड्स है वहाँ पर. इट्स अ ह्यूज, आई वुड से ह्यूज शेड रेंज इन अ फाउंडेशन, तो बाकी कोई बात नहीं, 15 शेड्स भी कुछ कम नहीं है. और आपको ना इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छे शेड्स मिल जाएंगे, डार्कर टू डार्कर, लाइटर टू लाइट आपको शेड मिल जाते हैं. और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस थोड़ा सा है इसका हाई, लाइक 1000+ चला जाता है, 1300 or 1250 rupees में आपको ये मिल जाता है. हाँ, लकीली अगर आप इसको ग्रैब कर सकते हो तो नायका से मैंने इसको 50% ऑफ पे लिया था, 1300 750 का मैंने लिया था बेसिकली, तो 750 rupees का मैंने लिया था. आप भी, जब भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि जब भी ऑफर के ऊपर हो तभी आप परचेज करना, बिकॉज ये एक मस्ट ट्राई फाउंडेशन. ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के HD स्टूडियो फोटोजेनिक कंसीलर के बारे में. अब इस कंसीलर के बारे में स्पेसिफिकली मैं इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही अच्छा वाला कंसीलर है. 525 rupees इसकी MRP है. ऑब्वियसली आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी जब भी डिस्काउंट के ऊपर हो तब आप इसको परचेज कर लेना. और ये बेसिकली आपको नायका के ऊपर ही मिलेंगे. और ये निक्स का HD स्टूडियो फोटोजेनिक कंसीलर है जो आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करता है. एंड इसमें मैंने ना दो शेड लिए थे बेसिकली. ये वाला जो शेड है ना, ये मेरी बहुत पहले की परचेज है, जब आई गेस मुझे पता नहीं था कि कैसे शेड को पिक करूँ या स्क्रीन के ऊपर लाइटर लग रहा है या डार्कर लग रहा है, तो मैंने ब्राइटन अप के लिए ही लिया था, नॉट टू कंसील माई डार्क सर्कल्स, बिकॉज मेरे को ऐसे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं बेसिकली कंसीलर को लेती हूँ, अगर मैं लाइटर लेती हूँ तो मैं जस्ट ब्राइटनिंग के लिए, ब्राइटन अप करने के लिए. तो अगर मैं बात करूँ इस कंसीलर शेड के बारे में, दिस इज़ इन दी शेड CW03. इसमें आपको ऑरेंज टेंट मिल जाता है जिसके साथ मैं समटाइम्स कलर करेक्ट कर लेती हूँ. और सेकेंड शेड इज CW03 and 04. और 04 है, इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ अपनी कंसीलर के लिए, ब्राइटनिंग के लिए. तो अगर मैं बात करूँ इस कंसीलर की शेड रेंज के बारे में, तो आपको इसमें टोटल 19 शेड मिल जाते हैं. अगेन अमेजिंग शेड रेंज. और बात करूँ प्राइस की, तो इसमें 525 जैसे मैंने बताया आपको, तो ऑलमोस्ट जब भी डिस्काउंट के ऊपर आई तो आप तभी इसको परचेज कर लेना, ग्रैब कर लेना, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ, दिस इज़ नॉट अ खर्चा, दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी. तो सबसे पहले मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ. तो चलिए अब मैं पहले थोड़ा सा इसको शेक कर लूँगी, बिकॉज किसी भी लिक्विड फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले आपको शेक ज़रूर से करना चाहिए. एंड मैं अपने हाथ पे एक ही पंप लूँगी,
बट उससे पहले मैं एक काम करने वाली, जिसके लिए मैं पहले यूज़ करूँगी ये निक्स का कंसीलर। दिस इज HD स्टूडियो फोटोजेनिक कंसीलर एंड इसमें ना जो ये वाला शेड है CW03, हल्का सा इसमें इफ़ यू कैन सी हेयर ये थोड़ा सा लाइट भी है एंड इसमें ऑरेंज टिंट है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यू कैन यूज़ दैट कंसीलर फॉर ब्राइटनिंग एज वेल एज फॉर योर कलर करेक्शन। इसमें हल्का सा ऑरेंज टिंट है तो इसको मैं जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी हल्का सा अपनी अंडर आई एरिया के पास, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा मेरे जो एक्ने स्पॉट्स हैं चिन के पास। एज यू कैन सी इसमें हल्का सा पीच ऑरेंज सा शेड है जिसकी वजह से कलर करेक्शन भी बहुत अच्छे से हो। इसको ब्लेंड करने के लिए किसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि ये है स्पॉन्जी सी। तो बट मैं कंसीलर ब्रश के साथ ही ब्लेंड करना ज़्यादा मुझे ईजी लगता है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का 219 कंसीलर ब्रश। कंसीलर को कभी भी ड्रैग नहीं करना है, हमेशा अपनी स्किन में आपने ऐसे टैबिंग मोशन में पुश करना है। दिस कंसीलर इज सो गुड बिकॉज ये आपको बहुत ही अच्छी कवरेज भी प्रोवाइड करता है। एज यू कैन सी मैंने बहुत ज़्यादा लेयर्स भी बिल्डअप नहीं की हैं एंड इसने बहुत अच्छे से मेरी जो डार्क सर्कल्स हैं, जो हल्की फुल्की डार्कनेस थी, उसको इसने कलर करेक्ट कर दिया है। अभी आपको देखने में थोड़ा सा वाइट कास्ट लग रही है बट जब इसके ऊपर मैं फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी तो ये इवन एंड बहुत ही अच्छा लगेगा। जब भी कंसीलर यूज़ करना है आपने, बेसिकली जो कंसीलर्स होते हैं या तो आप अपनी स्किन टोन के साथ मैचिंग लेते हो जस्ट टू कलर करेक्ट, जस्ट टू हाइड योर डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स, या फिर आप लाइटर शेड लेते हो, एक या दो टोन लाइटर, जस्ट टू ब्राइटन अप योर अंडर आई एरिया और योर स्पेसिफिक एरिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा शेक करूँगी बिकॉज लिक्विड फाउंडेशन है एंड उसके बाद मैं सबसे पहले एक पंप लूँगी इसका। यू कैन सी सो कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पतली नहीं है। एज यू कैन सी हल्का हल्का सा ये नीचे की तरफ आ रहा है बिकॉज दिस इज़ अ लिक्विड फाउंडेशन लिया था। अब ब्लेंड करते हैं और फाउंडेशन को ब्लेंड करना सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। सो यू कैन सी दिस इज़ वेरी गुड कवरेज वाला फाउंडेशन। सो यू कैन सी काफ़ी अच्छी इसने मुझे कवरेज प्रोवाइड की है बट बिल्डेबल फुल कवरेज आपको इसके साथ मिलती है। तो एक कवरेज के साथ आपको स्किन लाइक फिनिश मिलती है, आई थिंक विच इज़ सो गुड अगर आपको डेली लाइक डे टाइम पे कोई फंक्शन अटेंड करना है या फिर आपने कोई भी स्पेशल ओकेजन के लिए आपने जाना है, वैसे भी नो मेकअप मेकअप लुक आपने क्रिएट करनी है तो एक पंप इज़ मोर देन इनफ। अगर आपको सो फुल कवरेज चाहिए जैसे कि मैं आज आपको करके दिखाने वाली हूँ तो उसके लिए मैं एक पंप और लूँगी बेसिकली। तो मेरा दो पंप के साथ मैं अप्लाई करने वाली हूँ। आपको कोई भी डार्क स्पॉट्स नहीं है आपके फेस के ऊपर तो आपका एक पंप के साथ भी हो जाएगा आराम से। फाउंडेशन को आपने अप्लाई करना है तो जल्दी से ब्लेंड कर लेना है बिकॉज दिस फाउंडेशन ड्राइज अप वेरी क्विकली। सो नाउ यू कैन सी इट गिव्स यू वेरी फ्लॉलेस फिनिश, एयर ब्रश काइंड ऑफ फिनिश आपको मिलती है इसके साथ। यू कैन सी दो कोट लगाने के बाद भी मेरी स्किन के ऊपर मुझे ऐसा कोई भी केकीनेस फील नहीं हो रही है, हैवी बिल्कुल भी नहीं लगता इस फाउंडेशन के साथ विच इज़ सो गुड अगर आपने हैवी ड्यूटी कोई फंक्शन अटेंड करना है तो उसमें अगर आपने इसको बिल्डअप करके भी लगाया तो आपको बिल्कुल भी लिटरली फील नहीं होगा कि आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ हैवी लगाया हुआ है, हैवी बेस किया हुआ है। ओके, सो मैं अभी अपनी नेक के ऊपर भी अप्लाई करने वाली हूँ बिकॉज नेवर निग्लेक्ट योर नेक। सो यू कैन सी काफ़ी अच्छी कवरेज मुझे मिली है, इवनली ब्लेंड हो गया है फाउंडेशन एंड माई स्किन इज लुकिंग लाइक स्किन बट बेटर वर्जन ऑफ माई स्किन। ओके, सो अभी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है बिकॉज ये एक मैट फाउंडेशन है तो आपको किसी भी ऐसा कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इसको सेट करने के लिए। बट इफ़ यू हैव एक्सेस ऑयली स्किन लाइक टी जोन एरिया हमारा समटाइम्स ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो जस्ट एक लूज पाउडर के साथ या किसी कॉम्पैक्ट के साथ अपनी टी जोन एरिया को आप सेट कर सकते हैं, अदरवाइज यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट एनी काइंड ऑफ लूज पाउडर।
तो चलिए अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ इस कंसीलर को। दिस इज़ इन दी शेड CW04 और ये भी मेरी स्किन टोन के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा मैचिंग कंसीलर नहीं है बिकॉज मेरे को ऐसा डार्क सर्कल्स की उतनी ज़्यादा टच हुड प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको मैं ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करती हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा लाइटर है। ओके, तो इसको मैं साथ के साथ ब्लेंड करती जाऊंगी बिकॉज ये जल्दी से ड्राई हो जाता है एंड केकी होने लगता है अगर मैं इसको जल्दी से ब्लेंड नहीं करूंगी, अदरवाइज इट गिव्स यू वेरी नाइस कवरेज। सो यू कैन सी इतनी ज़्यादा वाइट कास्ट भी नहीं लग रही है एंड मेरी स्किन के जो मेरा अंडर आई एरिया है वो भी एकदम से इंस्टेंटली ब्राइटन अप लग रहा है जस्ट बिकॉज मैंने एक शेड या दो शेड लाइटर लिया है अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली। एंड बात करूँ कवरेज की तो इट गिव्स यू अ वेरी फुल कवरेज एंड इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम। सो या दैट्स इट, यही था जो मैंने आप लोग साथ डेमो शेयर किया कि कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज बहुत ही इजी ब्लेंडेबल कवरेज आपको मिलती है, मीडियम टू फुल कवरेज। इट क्लेम्स कि ये आपको फुल कवरेज देता है बट इफ़ यू आर पर्सन लाइक मी जिसके थोड़े से एक्ने स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो आपको ये टू लेयर्स में भी अच्छी खासी कवरेज दे देता है एंड यू कैन बिल्ड अप अगर आपको फुल कवरेज चाहिए, वरना अगर आपको एक लेयर में ये आपको स्किन लाइक फिनिश देता है बट बेटर वर्जन ऑफ योर स्किन। एंड आई मस्ट से कि ये वाला फाउंडेशन अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए, बिकॉज ऑयली स्किन पर्सन के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनका फाउंडेशन स्लिप होना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग की वजह से बहना शुरू हो जाता है या समटाइम्स हमारा फाउंडेशन पोर्स में फिल होना शुरू हो जाता है, तो इसके साथ एज सच कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है एंड इस फाउंडेशन को आपको एज सच बहुत ज़्यादा सेटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पाउडर थोपने की ज़रूरत नहीं अपने फेस के ऊपर, बहुत ही अच्छी मैटिफाइंग आपको लुक देता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको नो टी जोन एरिया के पास बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा ऑयलीनेस ज़्यादा फील होती है तो आप हल्का फुल्का बनाना पाउडर से, लूज पाउडर से या किसी कॉम्पैक्ट के साथ सेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कंसीलर के बारे में, ये भी आपको फुल कवरेज देता है एंड लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू नो फाउंडेशन लुक एंड यू जस्ट वॉन्ट टू यूज़ एनी कंसीलर एंड यू वॉन्ट टू बाय अ गुड कंसीलर, देन आई विल हाईली रिकमेंड दिस कंसीलर टू यू गाइज। दैट्स इट, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, कमेंट डाउन करके फीडबैक जरूर से शेयर करना। एंड आई मस्ट से कि आई वांट टू ऐड वन थिंग मोर कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी ये वाला फाउंडेशन बिकॉज ड्राई स्किन के ऊपर आई थिंक ये थोड़ा सा पैची हो सकता है, केकी हो सकता है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से अपनी स्किन को स्किन केयर करते हो अपनी, अगर आप बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर्स अप्लाई करते हो देन यू शुड ट्राई दिस, बट इफ़ यू आर अ पर्सन ऑयली पर्सन लाइक मी देन ग्रैब दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ ऑसम फाउंडेशन फ्रॉम NYX। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजेशन की बात करूँ तो हल्का फुल्का सा ये ऑक्सीडाइज होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि अगर आप अपनी मैचिंग स्किन टोन के साथ ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डार्क हो जाएगी, ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बिकॉज हल्का फुल्का सा ऑक्सीडाइज होता है विच इज़ वेरी नॉर्मल विद लिक्विड फाउंडेशन। सो या दैट्स इट, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, कमेंट डाउन करके फीडबैक जरूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।